वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज मेरे साथ गगनदीप है। गगनदीप, क्या उम्र है? मेरी 21। और किस दिक्कत से आप आए हो? मेरे लोअर बैक में पेन हो रहा था। अगर आपको भी किसी को लोअर बैक में पेन है गगनदीप की तरह, गगनदीप किस तरह का पेन है आपको? हल्का है अभी पेन, कल से स्टार्ट हुआ था ये। वो एक्सरसाइज वगैरह गलत हो गई थी तो उसकी वजह से। ऐसी क्या एक्सरसाइज की करके दिखाओगे जरा? ये डेडलिफ्ट करी थी। अच्छा, डेडलिफ्ट करी थी। तो डेडलिफ्ट की वजह से आया। तो काफी सारे लोग मुझे आके ये बोलते हैं, जी आपकी वीडियो देखी थी एंड डेडलिफ्ट इज माय ब्रेड एंड बटर, है ना? सो माय बटर इज हियर, राइट? तो कितना केजी कर लिया था? मेरा 150। 150? हमेशा 150 करते हो या इससे ज्यादा भी करते हो? नहीं, इससे ज्यादा भी करते हैं। वो अभी शुरुआत हुई है, मतलब मंथ ही हुआ जिम जाते हैं। अच्छा, तो मैं मुझे पता है जो दर्द में है, बट तब भी एक बार पोज दिखा सकता है किस तरह से डेडलिफ्ट करता है, कहां गलती की होगी? गलती नहीं करेगी वो, मेरा भी बट तू अपने हिप्स को पीछे इनफ नहीं ले जा रहा है ना? अभी तो शायद टाइट है, उसकी वजह से मूवमेंट तो तेरा ठीक लग रहा है मुझे। तो उसमें क्या हुआ था? वो वेट में हाथ स्लिप हो गया, मतलब ग्रिप मतलब स्लिप हो गई, तो उसकी वजह से बैक में रबर पकड़ा हुआ था उसने हाथ में। रबर नहीं थी, वो रॉड थी, हल्की स्लिप हो गई स्वेट की वजह से। अच्छा, तो फिर कहाँ पे झटका आया? लोअर में, दोनों तरफ या एक ही तरफ? पहले दोनों तरफ था, रात को एक साइड से ठीक हो गया, एक साइड से। सो व्यूअर्स, आपने गगन की स्टोरी सुन ली। गगन 150 किलो का डेडलिफ्ट कर रहा था। डेडलिफ्ट आप सब जानते ही हैं किस तरह से किया जाता है, और डेडलिफ्ट करते समय इसके हाथ पसीने की वजह से स्लिप हो गया या अनबैलेंस वेट हुआ होगा, राइट? मे बी अ इंच, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। 150 केजी आसान नहीं होता है। 150 केजी तक पहुंचना, मैं 150 केजी तक नहीं पहुंचा हूं आज तक, ना मैं जाना चाहूंगा। मैं बैक पेन से खुद कई साल तक फाइट किया है, और डेडलिफ्ट मैं भी करता हूं। डेडलिफ्ट सबको करनी चाहिए। वेट देख लेना कि कितना उठाना चाहिए। अननेसेसरी हम एथलीट नहीं है, तू भी एथलीट जैसा बन सकता है बट एथलीट है नहीं, ठीक है? तो 150 केजी काफी ज्यादा होता है। 150 केजी हर वीक मारता है? हाँ, यस। क्यों? मतलब जब 150 केजी मारता है तो 150 केजी या इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा? नहीं, बढ़ाते हैं। अगर हर हफ्ते 150 करेगा तो मतलब उससे मैं बढ़ाता हूँ, तो आज 150 पे रुक गया था, मतलब मैं दूसरा सेट था। ओके, तो गगन का हमने देखा है, स्वेलिंग है बैक में। इसको 3 दिन के लिए मैंने बोला है, कल तो ये जरूर आएगा, और आई एम श्योर हो सकता है दूसरे या तीसरे सेशन के बाद इसको जरूरत ना पड़े। तो मैंने इसकी कपिंग की है, इसका रिलीज किया है। अब मैं एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा कि देख, मैं भी देखता हूँ कितना ये फ्लेक्सिबल है। एडजस्टमेंट के लिए आए थे बेसिकली सारे लोग, है ना? और हमसे जैसे ही ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, अंदर पूछते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं होगा, और हम सबको एक ही चीज बोलते हैं, एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट के बाद होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, अगर अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आ जाइए, इजी। ओ साइड टर्न लेंगे, मेन तरफ। नीचे वाला पांव सीधा, इसको मोड़ लो, बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, इसको इसको बेंड, नीचे वाले को बेंड। मुझे हमेशा दिन भर लोगों को क्या बेंड करो नहीं करो सिखाते सिखाते थक जाता हूँ। रिलैक्स सर, पीछे इजी। Nicely, joints तो खुले हैं, साइड टर्न ले लो उस तरफ। रिलैक्स, इजी। नाइस, इजी, रिलैक्स, छोड़ दो, इजी, छोड़ दो। आ जाओ, थोड़ा बहुत तो फील हो रहेगा। और कहाँ से आए, किस तरफ से आए दिल्ली से? मैं कालकाजी एक्सटेंशन। कालकाजी एक्सटेंशन से? कौन से जिम में जाते हो? मैं एनी टाइम, GK2। GK2 एनी टाइम नहीं है। तो आपके ग्लूट्स अंडर एक्टिवेटेड हैं, इसकी वजह से जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा था
मुझे फील हो रहा था कि आपका सारा का सारा वेट जो है बैक पे आता है, आपके ग्लूट्स आपको स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ग्लूट्स हमेशा जो भी एक्सरसाइज करो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की, उस पर एक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बैक पे आपके प्रेशर आएगा ही नहीं। दूसरी चीज़ मैं ये भी देखूँ कि चिन आपकी नीचे जाने लगी है, तो आप पॉस्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी एक्सरसाइज करो, ये अपर बॉडी भी वीक है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपके भी एरिया में कोई भी दिक्कत में हो, आपके जिम में भी कोई दिक्कत में हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।